गांजा चरस के साथ 21 लाख की मशरूका के साथ एसपी के निर्देश पर गौरमियो और साइबर पुलिस ने चार आरोपियों को धर दबोचा। भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के लगातार नशा माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी है, जिसमें आज उनके निर्देशन में मैगाव एसडीओपी आरकेएस राठौर के मार्गदर्शन में गोरमी थाना प्रभारी सुरेश शर्मा और साइबर प्रभारी शिव प्रताप सिंह राजावत ने मुखबिर की सूचना पर गोरमी थाना क्षेत्र के हीरापुर रोड से दो आरोपियों को धर दबोचा। जब उनसे पूछताछ की गई तो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 2 किलो चरस 20 लाख रुपए, 7 किलो गांजा 84,000, एक बाइक 56,000 के साथ कुल मिलाकर 21,40,000 रुपए का मशरूका जब्त कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच पड़ताल जारी है। जो है वो गोरमी थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल के माध्यम से अवैध रूप से ड्रग्स सप्लाई करने का कार्य कर रहे हैं। प्राप्त सूचना पर जब पुलिस ने कार्रवाई की तो उन्होंने एक मोटरसाइकिल पे 2 लोगों को पकड़ा, उनसे तलाशी ली तो वहाँ पे उनके पास से करीब 2 किलो उनको चरस बरामद हुई। उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा वो गोरमी में जहाँ उनका घर था वहाँ पर बताया गया कि उनके पास करीब 7 गांजा और रखा है। वहाँ पर उनके बताने के हिसाब से जब कार्रवाई की गई तो घर से करीब 7 किलो गांजा तथा अन्य 2 आरोपी भी पुलिस को मौके से मिले, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया। इस तरह कुल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनसे कुल 21,40,000 का मशरूका बरामद हुआ है। और साथ में ये जो आरोपी थे इनके पूर्व का भी आपराधिक रिकॉर्ड है, इनका यहाँ गोरमी में भी और अन्य राज्यों में विशाखापट्टनम वगैरह में भी मामला पंजीबद्ध है। पूर्व में भी ये अन्य राज्यों से विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से व गुड़गांव वगैरह से ड्रग्स लाकर यहाँ सप्लाई इन्होंने करना बताया है और वर्तमान में भी ये दिल्ली तरफ से ही इसको लाए थे।